नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप लोग को हमारा यूट्यूब चैनल द काफली टॉक शो में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में हुआ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि यूट्यूब की तरफ से फ्री में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहा। दोस्तों, हमारा थंबनेल हमारा टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा आज की वीडियो में आप क्या सीखने वाले हो। क्या आप एक आपका इंडियन अकाउंट है, इंडियन अकाउंट से आप नेपाल में रिचार्ज करना चाहते हो, नेपाल में रिचार्ज करना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। एक बहुत अच्छा ऐप से वो आप तो ऐप्स द्वारा आप रिचार्ज कर सकते हो और बिल पेमेंट भी कर सकते हो। डीटीएच एवरीथिंग सब बिल पेमेंट कर सकते हो आप, बस ऑनलाइन सब बुक कर सकते हो। मैं डिटेल में आपको सिखाऊंगा। पहले रिचार्ज का आप कैसे कर सकते हो, एक एटीएम आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए और दोस्तों जो जिसका भी दोस्त का रिश्तेदार जो भी चलेगा वो आपका अकाउंट नंबर होना चाहिए और एटीएम होना चाहिए। एटीएम नंबर से आप वो सब कर पाओगे, रिचार्ज कैसे कर पाओगे तो मैं सब कुछ दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। पूरा वीडियो देखना पड़ेगा आपको। मैं स्टार्ट करता हूँ। आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए, नेपाल ई कार्ड लिखिए, देख लीजिए मैंने लिख के आऊँ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूँगा, उधर जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। इसको ओपन करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसमें और रिचार्ज करने का मैं आपको दिखाऊँ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूँगा, उधर जाके आप मेरा पासपोर्ट ईमेल आईडी मांग रहा है, मेरा पासपोर्ट मैं लॉगिन कर रहा हूँ, देख लीजिए। इसमें वॉलेट भी होता है, ऐड मनी, वो मेरा वॉलेट में जीरो बैलेंस है, कोई भी नहीं है। UTL NCL नमस्ते दिल्ली मोबाइल रिचार्ज, आरसी कार्ड और रिचार्ज कार्ड का नंबर भी आप इसमें से ले सकते हो। देख लीजिए लैंडलाइन मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इसका भी बिल टीवी का भी इंटरनेट का भी सब आप बिल पे कर सकते हो। ये बहुत सारे पैसे हैं, देख लीजिए। आपका प्रोफाइल में दिखाता हूँ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट एंड बर्थ, एड्रेस, इतना है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा आप कैसे करना है। आप वॉलेट में पैसा जमा करना चाहते हो तो भी आपका वॉलेट में जमा हो सकता है। देख लीजिए मैं मोबाइल में जाता हूँ, देख लीजिए NCL नमस्ते प्रीपेड पोस्टपेड स्मार्ट्स UTL सब कुछ है। मैं एक बार NCL में जाके दिखाता हूँ आपको, देख लीजिए मोबाइल नंबर समथिंग मैं डालता हूँ, कोई भी 98 15 60 25 83, देख लीजिए डालिए। NCL प्रीपेड आ गया। उसके बाद अमाउंट कितना डालने का देख लीजिए, NPR 10 20 30, देख लीजिए कितना तक डालने का, 4000 तक है, देख लीजिए मैं समथिंग 20 रुपये डालता हूँ। उसके बाद रिचार्ज नाउ करता हूँ। इसके बाद रिचार्ज नाउ करने के बाद कूपन कोड इसको प्ले नाउ करता हूँ। उसके बाद पेपल, आप पेपल अकाउंट है तो उसमें से ज़्यादा एट, अगर आपका वॉलेट में पैसा है तो इसमें से कट जाता है। एक पेपल अकाउंट है, पेपल अकाउंट में तो आपका वॉलेट में पैसा है तो इसमें से कट जाएगा। मैं पे यू मनी में जाता हूँ। इसके बाद डिटेल देख लीजिए। उसके बाद नेट बैंकिंग से भी होता है, UPI से भी होता है। कार्ड में एड कार्ड जाता हूँ, देख लीजिए बैंक नेम, इंटरव्यू कार्ड नंबर डालता हूँ, मैं कार्ड नंबर डालता हूँ और EMY ये सब नंबर डालने के बाद आप इसको पे नाउ करिए। पे नाउ करके आप देख लीजिए, मैंने कुछ भी नहीं डाला, आप मैंने नहीं डाला। इसमें जो इंटर कार्ड नंबर हो, कार्ड नंबर होता है 16 अंक का शायद, उसके बाद पीछे होता है वो और CCG वाला पीछे और 11 24 समथिंग ऐसा, और एक्सपायरिंग डेट है ये डाल सकते हो। उसके बाद पे ही ना करते हो आप, सब कुछ होगा। आज के लिए वीडियो इतने, आज का वीडियो में आपको कैसा लगा, जैसा लगा आपको प्रतिक्रिया देते रहेंगे। और ये बहुत अच्छा तरीका है, वो तरीका से आप कोई भी सिम कार्ड में आप रिचार्ज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लिप सपोर्टिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर
हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप लोग को हमारा यूट्यूब चैनल द काफली टॉक शो में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में हुआ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि यूट्यूब की तरफ से फ्री में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, हमारा थंबनेल हमारा टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा आज की वीडियो में आप क्या सीखने वाले हो। क्या आप एक आपका इंडियन अकाउंट है, इंडियन अकाउंट से आप नेपाल में रिचार्ज करना चाहते हो, नेपाल में रिचार्ज करना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। एक बहुत अच्छा ऐप से वो आप तो ऐप्स द्वारा आप रिचार्ज कर सकते हो और बिल पेमेंट भी कर सकते हो, डीटीएच एवरीथिंग सब बिल पेमेंट कर सकते हो, आप बस ऑनलाइन सब बुक कर सकते हो। मैं डिटेल में आपको सिखाऊंगा, पहले रिचार्ज का आप कैसे कर सकते हो। एक एटीएम आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए और दोस्तों जो जिसका भी दोस्त का रिश्तेदार जो भी चलेगा वो आपका अकाउंट नंबर होना चाहिए और एटीएम होना चाहिए। एटीएम नंबर से आप वो सब कर पाओगे, रिचार्ज कैसे कर पाओगे तो मैं सब कुछ दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, पूरा वीडियो देखना पड़ेगा आपको। मैं स्टार्ट करता हूँ, आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए, नेपाल ई कार्ड लिखिए, देख लीजिए मैंने लिख किया हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूँगा, उधर जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। इसको ओपन करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसमें और रिचार्ज करने का, मैं आपको दिखाऊँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूँगा, उधर जाके आप मेरा पासपोर्ट ईमेल आईडी मांग रहा है, मेरा पासपोर्ट मैं लॉगिन कर रहा हूँ, देख लीजिए इसमें वॉलेट भी होता है ऐड मनी, मेरा वॉलेट में जीरो बैलेंस है, कोई भी नहीं है। यूटीएल एनसीएल नमस्ते देख ली, मोबाइल रिचार्ज आरसी कार्ड और रिचार्ज कार्ड का नंबर भी आप इसमें से ले सकते हो। देख लीजिए लैंडलाइन नंबर का भी, इलेक्ट्रिसिटी इसका भी बिल टीवी का भी इंटरनेट का भी सब आप बिल पे कर सकते हो, ये बहुत सारे पैसे हैं। देख लीजिए आपका प्रोफाइल में दिखाता हूँ, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डेट एंड बर्थ एड्रेस इतना है, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा आप कैसे करना है। आप वॉलेट में पैसा जमा करना चाहते हो तो भी आपका वॉलेट में जमा हो सकता है। देख लीजिए मैं मोबाइल में जाता हूँ, देख लीजिए एनसीएल नमस्ते प्रीपेड पोस्टपेड स्मार्ट यूटीएल सब कुछ है। मैं एक बार एनसीएल में जाके दिखाता हूँ आपको, देख लीजिए मोबाइल नंबर समथिंग मैं डालता हूँ कोई भी 98 15 60 25 83, देख लीजिए डाल लिया एनसीएल प्रीपेड आ गया। उसके बाद अमाउंट कितना डालने का देख लीजिए, एनपीआर 10 20 30, देख लीजिए कितना तक डालने का, 4000 तक है, देख लीजिए मैं समथिंग 20 रुपये डालता हूँ। उसके बाद रिचार्ज नाउ करता हूँ, इसके बाद रिचार्ज नाउ करने के बाद कूपन कोड इसको प्ले नाउ करता हूँ, उसके बाद पेपल आप पेपल अकाउंट है तो उसमें से ज़्यादा एट, अगर आपका वॉलेट में पैसा है तो इसमें से कट जाता है, एक पेपल अकाउंट है पेपल अकाउंट में तो आपका वॉलेट में पैसा है तो इसमें से कट जाएगा। मैं पे यू मनी में जाता हूँ, इसके बाद डिटेल देख लीजिए, उसके बाद नेट बैंकिंग से भी होता है, यूपीआई से भी होता है, कार्ड मैं एड कार्ड जाता हूँ, देख लीजिए बैंक नेम इंटरव्यू कार्ड नंबर डालता हूँ, मैं कार्ड नंबर डालता हूँ और EMI ये सब नंबर डालने के बाद आप इसको पे नाउ करिए, पे नाउ करके आप देख लीजिए मैंने कुछ भी नहीं डाला, आप मैं नहीं डालता इसमें जो इंटर कार्ड नंबर हो, कार्ड नंबर होता है 16 अंक का शायद, उसके बाद पीछे होता है वो और CCC वाला पीछे और 11 24 समथिंग ऐसा, और एक्सपायरिंग डेट है ये डाल सकते हो। उसके बाद पे ही नाउ करते हो आप सब कुछ होगा। आज के लिए वीडियो इतने ही, आज का वीडियो में आपको कैसा लगा, जैसा लगा आपको प्रतिक्रिया देते रहेंगे, और ये बहुत अच्छा तरीका है, वो तरीका से आप कोई भी सिम कार्ड में आप रिचार्ज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लिप सपोर्टिंग कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू फॉर